सब जी नू मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल जी। मैं जसप्रीत कौर असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स विभाग कमला लुटिया सनातन धर्म कॉलेज तो अज जिस विषय से थोड़े सामने अपने विचार रखन जा रही हाँ वह है गुरु तेग बहादुर साहिब जी का जीवन अते सिख्यावां। सिखां दे नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर साहिब जी त्याग ते वैराग दी मूरत सन। उन्हां दी रची हुई बाणी मनुख नू परमात्मा वल इउं खिंचदी है जिवें लोहे नू चुंबक खिंचदा होवे। उन्हां दे रचे हुए 59 शब्दां चों अते 57 सलोकां चों जत, सत, संतोख, हलेमी, धर्म, मिठास, त्याग, वैराग, सोझी अते आत्मक बल उन्ने ही प्रतख दिखाई देंदे हन जिवें कि सुच्चे हीरे दी चमक ते दमक। साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की तहते अहनस पागो। जो नर दुख में दुख नहीं मानै, सुख सने अर पै नहीं जांकै, कंचन माटी मानै। मन रे प्रभ की शरण बिचारो, जे सिमरत गन कासी उधरी ताको जस उधारो। अटल पयो त्रु जांकै सिमरन, अर निर्भय पद पाया, दुख हरता एह बिद को स्वामी तै काहे बिसराया। गुरु साहिब जी दे विचारा अनुसार सुख दा मार्ग निमरता अते सत्संग है। अहंकार नरक दे दुख दी स्रोत भयानक है, जिस विचों केवल ओही मनुख बच सकेगा जिस दे हिरदे विच नाम दा वासा होवे। फोकट करम ते फोकी हैंकड़ वर्गे औगणा दा त्याग ही सुखदायक है। भोजन ते भजन दोनों ही आरोग जीवन लई जरूरी हन। भोजन दे ली ते भजन मन ली। किसी ने गुरु साहिब नूं पुछया कि तुसी अपनी बाणी विच जगत नूं सुपने समान लिखदे हो, फिर पिछे की रहिंदा है, की सच है? जो सुपना अर पेखना ऐसे जग को जान। तो गुरु साहिब ने फरमाया, नाम रहयो साधु रहयो, रहयो गुरु गोबिंद, कहो नानक एह जगत में किन जपयो भगवंत। इस दुनिया विच उसदा नाम ही सदा वास्ते अटल है जिसने परमात्मा नू जपया है। सिद्धांतक पक्ष वजो गुरु साहिब तिलक जंजू दे हक विच नहीं सन, पर पैका हु को देतने दे पह मानत आन दे असूल अनुसार लोड़ पैनते दूजे दे धर्म नू भी बचाउण लई आप कातल कोल जाके अपने शरीर दा बलिदान दिता। सच हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर, अज जे हिंदुआं दे मत्थे ते टिक्का है तो गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे लहू दा टिक्का है। अज जे हिंदुआं दे तन ते जनेऊ है तो गुरु तेग बहादुर साहिब जी दीआं आंदरां दा बणिया होया है। अजे 4 सालां दे सन जदों वड्डे भरा भाई गुरदित्ता जी दी बरात जाण लगी ते इक बच्चे नूं बिना कपड़िआं तों देख के अपना सब कुछ उतार के दे आए, कीमती वस्त्र भी ते कीमती गहने भी। माता नानकी जी गुरु हरगोबिंद साहिब जी कोल शिकायत लगाउण लगे, देखो साडा लाडला की कर आया है। तां छेवें पातशाह ने कहा, अज किसे नूं पोशाक दी लोड सी तां पोशाक दे आया है, कल शरीर रूपी चोले दी लोड पएगी तां ओह वी दे आएगा। सच इसे तरह ही होया, धर्म हेत साका जिन किया, सीस दिया पर सिरर ना दिया। गुरु साहिब जी दे इकलौते पुत्र गोबिंद राय नूं भी उन्हां ने मनुखी उच्च कदरां कीमतां दी सिख्यावां दित्तियां। कलगीधर पातशाह आप लिखते हैं कि साढ़े पिता जी ने सानू उपदेश दिता, निज नारी के संग तुम नित बढ़ईयो, पर नारी की सेज भूल सुपने हो ना जाइयो। इन्हां सिख्यावां दा नतीजा सी कि जदों अब्दाली हिंदुस्तान विचों गड्ढे भर भर के सुंदर जवान लड़कियां चुके लै जांदा सी तां गुरु दे सिंघ उन्हां नूं रिहा करा के घरों घरी पहुंचांदे सन। कथनी ते करणी दे पूरे गुरु तेग बहादुर साहिब सरबंस दानी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे पिता जी सन। बलिदान दी मूरत माता गुजरी जी दे पति सन। ना डोलन वाले धर्म दे पक्के 4 छोटे साहबजादियां दे दादा जी सन। उन्हां दे संस्कारां सदके अज भी खालसा पंथ जिंदा है ते मनुखता दी सेवा लई तत्पर है। अज दे इस करोना काल दी महामारी दे दौरान भी खालसा एड वर्गियां संस्थावां दा योगदान किसे तो लुकिया नहीं है। एक मुसलमान मुहज्जम दीन लिखदा है कि मैं गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे जीवन नूं कोलों दी जानण वास्ते उन्हां दे नाल नाल रहण लगा। वह कदे हस्से नहीं सन, पर दिल्ली चांदनी चौंक विच जदों जल्लाद उन्हां दे सीस नूं धड़ तों अलग करन लगा तो खिड़खिड़ा के हस पए ते कहन लगे, कोई भी तलवार तेग बहादुर नूं मार नहीं सकदी। सतगुर बचन बचन है सतगुर दे रूप विच अज वी उह साडे नाल हन। याद करके तां देखो हर वेले उह साडे हाजर नाजर हन। तेग बहादुर सिमरिए कर नौने दावे ताए, सब थाई होए सहाय। आखिर विच गुरबाणी दा एक फुरमान बोलदे होए समाप्ति करांगी, जैसा तू वैसा तू है तन गुर तेग बहादुर साहिब। तन गुर तेग बहादुर साहिब वाकया ही उन्हां वर्गे ओही हन, उन्हां वर्गा होर कोई भी नहीं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।